एक भी कमेटी ऐसी नहीं बनाई भारत सरकार। और जितने एग्रीमेंट साइन हुए हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर, वो सब की सब रिजेक्टेड और रिडंडेंट टेक्नोलॉजी है इस देश में। और टेक्नोलॉजी कैसे आती है, एक सॉलिड एग्जांपल मैं आपको दूं। हिंदुस्तान में एक कंपनी आई जिसका नाम था कैल्विनेटर, अमेरिकन कंपनी मल्टीनेशनल, हमारे यहां रेफ्रिजरेटर लेके आई। क्यों आई साहब? उनके मन में दया आ गई कि हिंदुस्तान के लोगों को ठंडा पानी पिलाना। सच्चाई ये थी कि कैल्विनेटर की मार्केटिंग खत्म हो गई पूरे यूरोप अमेरिका में। क्यों खत्म हुई? क्योंकि अमेरिका और यूरोप के देशों में एक प्रॉब्लम शुरू हो गई क्लोरोफ्लोरोकार्बन के एमिशन की, सीएफसी। तो सीएफसी एमिशन की जो प्रॉब्लम शुरू हुई, और खासकर ये नॉर्दिक कंट्रीज में बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई, तो वहां क्या हुआ कि ये जितनी रेफ्रिजरेशन की टेक्नोलॉजी है, इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी में सीएफसी बहुत बुरी तरह से एमिट होती है। और सीएफसी के एमिशन से होता क्या है, हमारे वातावरण में ओजोन होती है, और ये ओजोन हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओजोन अगर ना हो पूरे वातावरण में तो हम जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि सूर्य की किरणें जो आती हैं उनमें अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, और वो अल्ट्रा वायलेट रेज इतनी खतरनाक होती हैं कि आपकी चमड़ी पर अगर सीधे पड़े वो अल्ट्रा वायलेट रेज, तो आपकी चमड़ी जो है जल जाएगी, स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये रेफ्रिजरेशन की और एयर कंडीशनिंग की जितनी टेक्नोलॉजी दुनिया में डेवलप हुई है, इसके सबसे बड़े दुष्परिणाम निकले कि सीएफसी एमिशंस बहुत बढ़ गए, और इतने बढ़ गए कि इन नॉर्दिक कंट्रीज के ऊपर ओजोन में एक बड़ा भारी होल हो गया, छेद हो गया। तो उनके यहां क्या प्रॉब्लम हुई, गर्मी बढ़ गई, और जैसे ही गर्मी बढ़ी तो बर्फ पिघलना शुरू हो गई। और आपको मालूम है यूरोप में पूरे के पूरे पोर्शन में 1/3 तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। तो वो बर्फ पिघलना शुरू हुई, और जैसे बर्फ पिघलना शुरू हुई तो नदियों में पानी ज्यादा आने लगा, और पानी ज्यादा आने लगा तो बाढ़ आने लगी। आपको मालूम है साल भर पहले लॉस एंजलिस में बाढ़ आई जिसमें पूरा का पूरा शहर बह गया। इतना बड़ा मैनेजमेंट था अमरीका का, कुछ नहीं कर पाया, लॉस एंजलिस में बाढ़ आई। बाद में पता चला कि क्यों आई वो बाढ़, इसलिए आई कि अमरीका में गर्मी बढ़ गई, तो बर्फ ज्यादा पिघल रही है, ग्लेशियर्स ज्यादा पिघल रहे हैं, नदियों में पानी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि कार्बन एमिशन है और सीएफसी एमिशन है, दोनों टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो इन सारे देशों में एक भयंकर किस्म की घबराहट पैदा हुई, और उस घबराहट के चक्कर में इन्होंने क्या किया, इन 12-13 देशों ने जो अमीर देश माने जाते हैं, एक समझौता कर लिया। क्या समझौता किया कि धीरे धीरे सीएफसी एमिशन हम खत्म करते चले जाएंगे, और सन 2000 में तो बिल्कुल टोटली स्टॉप कर देंगे, कार्बन एमिशन भी खत्म कर देंगे और सीएफसी एमिशन भी खत्म कर देंगे। तो संकट हुआ कि सीएफसी एमिशन करने वाली टेक्नोलॉजी का क्या होगा। तो किसी ने उनको कहा कि हिंदुस्तान में ले जाकर डंप कर दो, बहुत अच्छा देश। तो कैल्विनेटर वाले यहां आ गए, और यहां आके उन्होंने विज्ञापन देना शुरू कर दिया कि रेफ्रिजरेटर घर की शान, बिना रेफ्रिजरेटर के घर में शान ही नहीं। हिंदुस्तान के इडियट्स लोगों ने कभी एक मिनट ये नहीं पूछा कि इस रेफ्रिजरेटर की हमको क्या जरूरत है। यूरोप में, नॉर्दिक कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रेफ्रिजरेशन का सिस्टम आया क्यों? तो सीधी सी बात है, बहुत सूखा हिस्सा है, और सूखे हिस्से में भोजन ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहता, और वहां परंपरा भी कुछ ऐसी है कि सप्ताह में एक दिन भोजन बनाया जाता है। मैं यूरोप के कई देशों में रहा हूं, तो मैं देखता था सिर्फ फ्राइडे को भोजन बनाते हैं, और बाकी दिन फिर उसी को निकाल निकाल के खाते हैं फ्रीजर में। किसी को फुर्सत ही नहीं है रोज गर्म खाना बनाने की, सब्जियां रोज मिलती नहीं है। मैं फ्रांस में था तो बीन्स अगर लेनी होती थी तो एक दिन मिलती थी हफ्ते में, वो भी इंडिया से जाती थी तब मिलती थी। कॉलीफ्लावर लेना है तो कभी एक दिन मिलता था हफ्ते में, तो हरी सब्जियां मिलती नहीं है, या तो यहां से जाती हैं हिंदुस्तान से, या लैटिन अमेरिका से आती हैं, या अफ्रीका से जाती हैं। तो अफ्रीका से फल भी जाते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। तो वहां क्या होता है कि जो पहले खरीद ले वो घर के अंदर रख ले उसको, बाकी किसी को मिलता नहीं। तो रेफ्रिजरेटर की इसलिए उनको जरूरत थी कि स्टोरेज करके रखना, सप्ताह में एक या दो दिन हरी सब्जी मिल पाती है, सप्ताह में एक या दो दिन खाना बना पाते हैं, इसलिए खाना बना के भी रख लेंगे, सब्जियां भी इकट्ठी करके रख लेंगे, इसलिए उन्होंने रेफ्रिजरेटर का ईजाद किया। थ्योरी तो हम भी जानते थे, रेफ्रिजरेशन की थ्योरी तो सारी दुनिया में यूनिवर्सल है, थ्योरीज तो हमेशा यूनिवर्सल होती है, टेक्नोलॉजी लोकल होती है। तो थ्योरीज तो हम भी जानते थे रेफ्रिजरेशन की, हिंदुस्तान में पिछले 500-700 साल से रेफ्रिजरेशन की थ्योरीज पे बहुत काम होता है, ऐसा नहीं है कि ये देश जानता नहीं, लेकिन हमने कभी रेफ्रिजरेटर बनाया नहीं। क्यों नहीं बनाया? हमको जरूरत नहीं थी।
क्यों नहीं जरूरत थी? रोज इस देश में सवेरे भी ताजी सब्जी लीजिए, शाम को भी मिल जाएगी। और मेरे अपने शहर में तो तीन टाइम मिलती है, सवेरे अलग मिलती है, दोपहर को अलग मिलती है, शाम को अलग मिलती है। और दूसरा एक और अद्भुत सिस्टम है, रोज गरम गरम मेरी माँ मुझको रोटी बना के खिलाती है। यूरोप में कभी कोई माँ नहीं खिलाती अपने बच्चे को गरम गरम रोटी, जानता भी नहीं है कोई रोटी बनाना। तो उनकी प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने रेफ्रिजरेटर का ईजाद किया। हम काहे के चक्कर में फंस गए जो हमने अपने घर में खरीद के उसको रख लिया। तो ये क्या होता है कि टेक्नोलॉजी आपकी जरूरत की नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपकी जबरदस्ती जरूरत बनाई जाती। और उन्होंने आपके यहां रेफ्रिजरेटर को जरूरत बना के पेश किया, क्योंकि उनको रेफ्रिजरेटर आपके यहां डंप करना था, उनको अपने यहां सीएफसी की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना था, उनको अपने यहां एमिशन की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना था, इसलिए आपके देश में लाके रेफ्रिजरेटर डंप किया। और वो डंप होने वाली चीज बिकेगी कैसे? तो उसके लिए हैवी एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किया, और वो एडवर्टाइजमेंट बड़े जबरदस्त तरीके से एक एक आदमी के चुभोया जाता था। कैसे चुभोया जाता था? आपका घर कुछ भी नहीं है अगर उसमें रेफ्रिजरेटर नहीं, और रोज रोज रात दिन कोई अगर आपको ऐसे ही कोचे कि आपका घर कुछ नहीं है अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है, आपका घर बहुत रद्दी है अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है, तो घर की शान बढ़ाने के लिए एक न एक दिन तो आप ले ही आएंगे, क्योंकि रोज रोज यही सुन रहे। और वो हम ले आए हमारे घर में, हमको मालूम नहीं कि हम उसका क्या इस्तेमाल करें, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इंडियन नहीं है, टेक्नोलॉजी यूरोपियन है। थ्योरीज हो सकती है इंडियन यूरोपियन एक जैसी, लेकिन टेक्नोलॉजी तो इंडियन यूरोपियन एक जैसी होती है। उनको जरूरत थी, उन्होंने वैसी टेक्नोलॉजी बनाई, हमको जरूरत नहीं थी, हमने वैसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई। अब जब फ्रिज आ गया हमारे घर में, तो देखिए पूरा घर कैसे बदलता। मैंने देखा कि जिनके घरों में फ्रिज आ गया, तो उन्होंने अपने घर को रीस्ट्रक्चर कर दिया। कैसे रीस्ट्रक्चर किया? कि पहले वो रोज ताजी सब्जी खरीद कर लाते थे, फिर जबरदस्ती एक साथ 10-10 किलो सब्जी लाने लगे, क्योंकि भरना तो चाहिए फ्रिज, और लाला के भरने लगे उसमें। फिर क्या हुआ, इस देश में बड़ा अच्छा शुद्ध पानी मिलता था माटले का, तो जबरदस्ती माटला बंद करके रेफ्रिजरेटर में पानी रखना चाहिए। हिंदुस्तान में शायद बहुत इडियोटिक लोग मिलेंगे जो प्लास्टिक की बोतल में पीने का पानी भर के रखते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर। दुनिया में सबसे रद्दी चीज है प्लास्टिक। यूरोप के तो कई देशों में प्लास्टिक बैन होने जा रहा है, जापान ने तो पहले ही बैन कर दिया। 5-6 साल से जापान में प्लास्टिक की चीजों का उत्पादन लगातार कम किया जा रहा है। और वहां जापान में एक नियम है कि कोई भी खाने पीने की चीज प्लास्टिक पैकिंग में नहीं होनी चाहिए। सरकार ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमने क्या किया, क्योंकि फ्रिज आ गया है घर में, तो फ्रिज का इस्तेमाल भी होना चाहिए, हमको मालूम नहीं है कि इसका सही इस्तेमाल क्या है, तो पानी भी उसमें रखना चालू कर दिया। अब प्लास्टिक की बोतल में पानी रखा हुआ, मेहमान आया साहब पानी पियेंगे, तो सीधे बोतल निकाल के उसके सामने पेश कर दिया। ये नहीं कि पानी को गिलास में डाल के पेश करें, बोतल निकाल के पेश करेंगे ताकि पता तो चले कि हमारे घर में फ्रिज है। अगर गिलास में भर के ले जाएंगे तो पता नहीं माटले का है कि फ्रिज का है, पता ही नहीं चलेगा मेहमान को। और सारी दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं, मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट कहते हैं कि फ्रिज का पानी एक ही काम करता है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ाता है। यूरोप और अमेरिका में मैं जितने दिन देखा रहा, मैंने हर तीसरे चौथे आदमी को कॉन्स्टिपेशन का मरीज पाया। और अभी तो उनकी जो फिगर्स आए हैं, लेटेस्ट फिगर, वो तो चौंकाने वाले हैं। 90% पॉपुलेशन यूरोपियन ब्लॉक में कॉन्स्टिपेशन का शिकार है। और इतना जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन वहां होता था, मैं जहां रहता था यूरोप में, तो मैं देखता था 4-4 दिन 5-5 दिन संडास नहीं होती लोगों को। एक बार एक डॉक्टर जुकरसन से मेरी मुलाकात हुई, बड़े भारी डॉक्टर माने जाते, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके देश में इतना कॉन्स्टिपेशन क्यों है? तो कहने लगे उसका सिंपल सा कारण है कि हमेशा फ्रिज का पानी हम लोग पीते हैं और आइस इतनी इस्तेमाल करते हैं, जरा सा पानी उसमें आइस डालेंगे 3/4, चाहे पेप्सी पीना हो कोका पीना हो, तो 3/4 उसमें आइस के क्यूब्स होंगे और मुश्किल से 1/4 उसमें कोका या पेप्सी या कोई सॉफ्ट ड्रिंक होगा या हार्ड ड्रिंक होगा, कुछ भी होगा। इतना जबरदस्त आइस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कॉन्स्टिपेशन। तो मैंने डॉक्टर जुकरसन से पूछा क्या पेशेंट आते हैं तो आप क्या करते हैं? तो कहता हूं कि हर पेशेंट से कि देखो फ्रिज का पानी पीना बंद कर दो पहले, और अगर संभव है तो गर्म पानी पियो, उकाड़ा हुआ पानी पियो। तो मैंने कहा हिंदुस्तान में तो हजारों साल से धर्म यही कहता है कि गर्म पानी पियो, हमको क्या जरूरत थी ये काहे को उठा लाए, ये बीमारी हमारे घर में। तो हमारे पास इतनी भी चॉइस नहीं है जुडिशियस कि किसको हम टेक्नोलॉजी कहें और किसको हम रिजेक्टेड और रिडंडेंट टेक्नोलॉजी। और सच्चाई यह है
कि जो चीज यूरोप में रिजेक्ट हो जाती है, जो वहां रिडंडेंट घोषित कर दी जाती है, उसी को उठा के हिंदुस्तान में इस्तेमाल करना चालू कर देते। तो उनकी प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने रेफ्रिजरेटर का ईजाद किया। हम काहे के चक्कर में फंस गए जो हमने अपने घर में खरीद के उसको रख लिया। तो ये क्या होता है कि टेक्नोलॉजी आपकी जरूरत की नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपकी जबरदस्ती जरूरत बनाई जाती। और उन्होंने आपके यहां रेफ्रिजरेटर को जरूरत बना के पेश किया, क्योंकि उनको रेफ्रिजरेटर आपके यहां डंप करना था। उनको अपने यहां सीएफसी की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना था, उनको अपने यहां एमिशन की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना था, इसलिए आपके देश में लाके रेफ्रिजरेटर डंप। ऐसे एग्रीमेंट साइन हुए हैं लिबरलाइजेशन के नाम पर कि आप चौंक जाएंगे। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है पेप्सी कोला। पेप्सी कोला के साथ भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हर साल पेप्सी कोला 10,000 मीट्रिक टन केमिकल वेस्ट अमेरिका से लाकर हिंदुस्तान में डंप करेगा। ये है लिबरलाइजेशन, और ये 2 साल से डंप होना शुरू हो गया है। सबसे पहली डंपिंग किया था पेप्सी कोला ने मद्रास के पास, एक गांव है, और अब इस साल से पेप्सी कोला डंप कर रहा है उस केमिकल वेस्ट को। केरल में एक जगह है, उसका नाम है वाईपीन। वाईपीन बहुत सुंदर द्वीप है, एक बार मैं गया हूं, इतना खूबसूरत है कि जाने के बाद लौटने का मन नहीं करता। अब उस वाईपीन द्वीप पर अमरीका से लाया हुआ 10,000 मीट्रिक टन कचरा वेस्ट डंप किया जा रहा है, और ये काम पेप्सी कोला कर रहा है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि लिबरलाइजेशन हो रहा है इस देश में, ग्लोबलाइजेशन। और ऐसे एक नहीं, हंड्रेड्स ऑफ एग्रीमेंट साइन हुए हैं कनेडियन कंपनियों के साथ, ऑस्ट्रेलियन कंपनियों के साथ, अमेरिकन कंपनियों के साथ, न्यूजीलैंड की कंपनियों के साथ, कि वो दुनिया भर के तमाम देशों का, कनाडा की एक कंपनी से तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको लेके हमने एक पिटीशन फाइल किया। एग्रीमेंट ये है कि कनाडा की कंपनी अपना एटॉमिक वेस्ट लेकर आएगी और हिंदुस्तान में डंप करेगी। ये कंपनी पहले बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट करना चाहती थी। बांग्लादेश की सरकार भी इतनी होशियार है कि जब उनको पता चला कि ये लाने वाले क्या हैं, तो एटॉमिक वेस्ट आएगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इसको परमिशन नहीं देने वाले। जो एग्रीमेंट बांग्लादेश की सरकार ने नहीं किया, वो एग्रीमेंट हमारी सरकार ने किया कनाडियन कंपनी के साथ। और ऐसे 100 से ज्यादा एग्रीमेंट साइन हुए हैं जिसमें हर साल इस देश में हजारों मीट्रिक टन कचरा आएगा उनके देश का, और इस देश में डंप किया जाएगा। और एक बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज ऐसा ही है मेरे पास। हॉलैंड की एक कंपनी है सीजवॉन वीवी, उसके साथ मनमोहन सिंह ने एक एग्रीमेंट साइन किया। क्या एग्रीमेंट था? कि हॉलैंड के सुअरों का गोबर 1 करोड़ टन हर साल हिंदुस्तान में लाके डंप किया जाए। ये एग्रीमेंट किया मनमोहन सिंह, और उसके दस्तावेज मेरे पास। क्यों किया है? तर्क क्या था मनमोहन सिंह का? तर्क यह था कि हॉलैंड के सुअरों का जो गोबर है वो क्वालिटी में बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है क्वालिटी में? तो वो तर्क दे रहे थे। जब हमने कहा कि ये आपने क्यों किया, तो एक दिन दिल्ली की एक मीटिंग में उन्होंने इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हमने इसलिए ये एग्रीमेंट साइन किया कि हॉलैंड के जो सुअरों का गोबर है वो बहुत अच्छा, क्वालिटी में बहुत अच्छा। और दूसरा क्यों अच्छा है? क्योंकि वहां के सुअर सोयाबीन खाते हैं। तो मैंने सवाल पूछा उनसे उस मीटिंग में कि ये सोयाबीन जाता कहां से? कि हमारे देश से जाता है। कहां से जाता है? मध्य प्रदेश से जाता है। आपको मालूम है इस देश में मध्य प्रदेश को पूरा सोयाबीन का बेल्ट बना दिया इसी ग्लोबलाइजेशन के चक्कर। तो क्या हो रहा है? सोयाबीन के लिए हजारों हजारों हेक्टेयर खेती बर्बाद कर दी गई है। सारे दुनिया के एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट कहते हैं कि 10 साल सोयाबीन की खेती के बाद 11वें साल आप उस खेत में कुछ नहीं कर सकते, वो बंजर हो जाता है। इसलिए यूरोप के देश सोयाबीन पैदा नहीं करते। तो यूरोप के देश सोयाबीन पैदा नहीं करते, लेकिन हॉलैंड एक ऐसा देश है जो सुअरों को पालता है। मैंने हॉलैंड में देखा बड़े बड़े रेंच होते हैं पिग्स के, हमारे यहां रेंच होते हैं गाय के, उनके यहां रेंच होते हैं पिग्स के। क्यों बनाते हैं रेंच? क्योंकि सुअर का मांस खाना, और सुअर के मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसको सोयाबीन खिलाना। लेकिन हॉलैंड की सरकार वो सोयाबीन अपने खेतों में पैदा नहीं होने देती, उसके लिए भारत सरकार से उन्होंने समझौता करके हमारे यहां सोयाबीन पैदा करवाना शुरू किया।
तो यहां से सोयाबीन की खली जाती है, उनके सुअर खाते हैं, और उसके बाद जो टट्टी करते हैं वो हमारे देश में आएगी, ये एग्रीमेंट किया। और ये एग्रीमेंट एक ऐसे व्यक्ति का है जिसको हिंदुस्तान में बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिला। पता नहीं उनके दिमाग में भी वही गोबर भरा हुआ है। और जब हम कोर्ट में गए ये सब बातें लेकर, और मनमोहन सिंह को लगा कि अब फंसने वाले हैं, और जवाब नहीं देते बन रहा था उनको, कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिए थे, इसको हमने पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन बनाया था, तो मनमोहन सिंह ने फिर बाद में प्रेशर में आके वो एग्रीमेंट कैंसिल किया। ऐसे एग्रीमेंट साइन होते हैं लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कोई एक मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है इस देश में जो ये छांटती हो कि क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है और उसके क्या परिणाम होने जा रहे हैं। एक भी कमेटी ऐसी नहीं बनाई भारत।